आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए 16 तरीके कौन से हैं उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। 16 टिप्स फॉर योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग रोज फोन कॉल्स करते हैं, ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल है, और उनको जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो चेक करते रहते हैं। आपको बताऊंगा कि 50 साल के ऊपर 50% लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है 50 साल के ऊपर 50% लोगों को। तो बहुत ये हेवी प्रॉब्लम है, मतलब सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये और लोगों का सेक्सुअल लाइफ ख़त्म करता है। अब इसमें क्या तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोर प्ले के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फोर प्ले मतलब लिंग का योनि में प्रवेश होने के पहले की क्रिया, जो चलनी चाहिए 5 से 15 मिनट 20 मिनट तक चलनी चाहिए, जिसमें आप एक दूसरे को स्टिमुलेट करते हो, एक्साइट करते हो, एक दूसरे को मजा देते हो, और उसमें काफ़ी सारी मजा आती है और एक्साइटमेंट आता है और उससे इरेक्शन में फ़ायदा होता है। तो इंक्रीज योर फोर प्ले, नंबर एक। नंबर दो, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। इसमें बहुत आपको मजा आ सकता है। क्या है कि इजैकुलेशन होने का टाइम आ गया, ऐसा लगता है आपको इजैकुलेशन हो जाएगा, उस समय तुरंत लिंग बाहर निकाल लेने का है और अपना ख्याल इधर उधर भटकाने का है, या जोर से ब्रीदिंग लेने का है, लंबी सांस लेके ब्रीदिंग लेना छोड़ना, मतलब अपना ध्यान भटका लेना, और वो इरेक्शन जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, कोई निकल जाएगा, मगर आपका इजैकुलेशन होगा नहीं। फिर आपने फोर प्ले करना है और फिर आप इरेक्शन करते हो और फिर खेलते हो। इसमें क्या होता है कि सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब आप ऐसा करेंगे तो इरेक्शन की मात्रा, इरेक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, हार्डनेस बढ़ता जाएगा। नंबर दो। नंबर तीन, नई नई पोजीशंस आपने ट्राई करना चाहिए। एक ही पोजीशन है तो बोर हो जाता है। आप आलू की सब्जी बनाएंगे और एक तरीके से रोज बनाएंगे, एक ही तरह से खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। आलू की सब्जी 50 तरीके अलग अलग बनाने की, तो नई पोजीशन और नई जगह, घर में भी आप जगह अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत मजा आएगा। नंबर चार, आपका स्ट्रेस, तनाव और एंग्जाइटी आपको मैनेज करना है। आपको पता है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस यदि आपको ज़्यादा है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होती है, एक्साइट होती है, जिससे कि इरेक्शन निकल जाता है। तो आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस है तो थोड़ी दवाइयाँ, ये करते आप तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। पाँच, आपको तंबाकू खाना और तंबाकू ओढ़ना, मतलब सिगरेट, ये दोनों भी बंद करना पड़ता है, और इसके साथ साथ ही अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। तो सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल मात्रा एकदम बंद करो, उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती है, एथरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं ब्लड वेसल्स में, जिससे कि लिंग में ब्लड का प्रवेश जो है वो रोकता है, रुक जाता है, और इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। नंबर छः, ओपन कम्युनिकेशन। यदि आपको यदि प्रॉब्लम है औरत के साथ में तो आपने ओपनली बोलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, जो भी है वो है, और अभी उसको पूछना है कि आप बोलो मुझे कैसी मदद कर सकती है, किस तरह से हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ओपन कम्युनिकेशन, खुला संवाद होना बहुत जरूरी है। नंबर सात, आपके रिलेशनशिप इश्यूज है क्या, आपके पत्नी के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में, आपके रिश्ता, आपका रिश्ता बराबर है कि नहीं है, झंझट, झगड़ा, तू मैं, एक दूसरे के ऊपर शक करना, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना, मतलब ऐसे इस तरह के, मतलब संबंध बराबर नहीं है, रिश्ता बराबर नहीं है, उसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, और जब ऐसा होता है तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। नंबर आठ, क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो क्या, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, अपनी बॉडी तंदुरुस्त रखते हो। क्या होता है कि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, सभी जो फील गुड हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, और उसे एक फील गुड आता है, सेंसेशन फीलिंग, और उसे सेक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। नंबर नौ, आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करते क्या, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज बहुत फर्क पड़ जाता है। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस आपको करना है कि आप एक सांस लेंगे, आराम से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट होंगे, मतलब वर्तमान में मौजूद रहेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस यदि आप अलग समय पर करते हैं तो सेक्स के समय पर इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कि आप प्रेजेंट टू द प्रेजेंट है, मतलब आप किस कर रहे हैं तो आप किस कर रहे हैं, उस समय आपके दिमाग में और कोई तनाव नहीं है या इधर उधर की विचार नहीं है। आप फोर प्ले कर रहे हैं तो आप फोर प्ले कर रहे हैं, वहाँ पूरे 100% माइंड से और बॉडी से वहाँ प्रेजेंट है, आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करना। तो नो माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। नंबर 10, आप कोई
हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिन जो है ना बहुत कुछ कुछ कभी कभी बहुत अच्छी काम में आती है, जिसमें जिनसेंग जैसा है, जिनसेंग वो अच्छा इरेक्शन लाता है, तो आप हर्बल मेडिसिन जब काम में लाते हैं तो या उसका उसकी मात्रा लेते हैं जिनसेंग की, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। उसमें फिर अश्वगंधा भी हो सकता है, शिलाजीत भी हो सकता है एडिशन करके, और उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 11 काउंसिलिंग। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप काउंसिलिंग कर सकते हैं। काउंसिलर के 6 थेरेपिस्ट है, 6 काउंसिलर है। जैसे हम करते हैं काउंसिलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हम काउंसिलिंग करके जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, रूट तक जाते हैं। काउंसिलर जाता है रूट तक कि इसका इसकी जड़ में क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम, इरेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, इजैकुलेशन क्यों जल्दी हो रहा है, मतलब उसमें काउंसिलिंग में जड़ से जाके जड़ से उसका इलाज किया जाता है, तो काउंसिलिंग आप कर सकते हैं। नंबर 12 आप कोई दवाइयाँ कंसिडर कर सकते हैं, वो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके। सिलडेनाफिल, टाडालाफिल ऐसी जो दवाइयाँ हैं, वर्दानाफिल, एवेनाफिल, तो ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसमें आयुर्वेदिक दवा भी आ गई, होम्योपैथिक भी आ गई, कुछ ना कुछ दवाई आपको लागू पड़ सकती है यदि आपको कोई एलोपैथी दवाई से प्रॉब्लम है तो ये दवाइयाँ हैं। नंबर 13 आपको यदि कोई बीमारी है तो उसका भी इलाज करो, उसको मैनेज करो, जैसा कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, फिर थायराइड है, तो ये सब चेक करना और आप फिजिकली फिट है कि नहीं देखना, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुगर होने से एथरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं ब्लड वेसल्स में और इरेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, नर्व डैमेज होती है उससे भी इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है। तो बीमारियां जो है वो आप उसको ठीक करो, कंट्रोल में लाओ। नंबर 14 कीगल एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना। कीगल एक्सरसाइज ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, जिसमें पूरा जो अम्बिलिकस जो है उसके नीचे का जो पोर्शन है, एनस पेरिनियम, मतलब जो नीचे का पूरा पोर्शन जो है वो उसकी एक्सरसाइजेस है। और एक्सरसाइज कैसे करते हैं कि पेशाब करने के समय आप पेशाब को रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, छोड़ देते हैं, एक बार वो है। और बैठे बैठे भी आप ऐसे बैठे कुर्सी में बैठे हैं तो लिंग को अंदर खींच लेना, लैट्रिन की जगह अंदर खींच लेना, खींच के रखना कुछ समय तक, फिर छोड़ना, रिलैक्स करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर छोड़ना। मेरा कीगल एक्सरसाइज का एक वीडियो अलग है, उसको भी आप सुन सकते हैं। नंबर 15 वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करो। वैक्यूम पंप ये नॉर्मल डिवाइस है, ये मतलब कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, जिसमें वैक्यूम तैयार हो जाता है, ऐसा ऐसा लिंग है, वैक्यूम पंप ऊपर से ऐसा रखा हुआ है, वो पंप में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिससे कि ब्लड अंदर खींचा जाएगा लिंग में और लिंग इरेक्शन होगा, तो ये नॉर्मल है। आपको चाहिए तो आप वैक्यूम पंप हमारे से बुलवा सकते हैं। नंबर 16 सेंसेट फोकस। मास्टर्स एंड जॉनसन, इन्होंने जब ये सेक्स थेरेपी का आविष्कार किया तब उन्होंने सेंसेट फोकस के ऊपर बहुत जोर दिया। सेंसेट फोकस का मतलब ये होता है कि भाई आप एक दूसरे की बॉडी एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक दूसरे का नॉन जेनाइटल पार्ट स्टिम्युलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्साइट कर रहे हैं, स्टिम्युलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, और आपका फोकस जो है वो पेनिट्रेशन के ऊपर नहीं है कि भाई मैं सेक्स करूँ उसके ऊपर नहीं, इंटरकोर्स के ऊपर नहीं है, एक दूसरे के साथ में रहना, समझना उसके ऊपर है। और फिर धीरे 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 एक 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 स्टेप बताइए उसका सेंसिटिव फोकस का भी मेरा वीडियो अलग से आप देख सकते हैं। तो ये 16 अलग अलग मैंने टिप्स आपको बताई कि जिससे कि आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ सकता है, ये सभी को काम में आ सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करो, इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।